मेन पंडाल में जाने का पिक्चर है और ये अब हमारा देखो किसी समय खत्म हो चला। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने कृषि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले के साथ डॉग शो का भी आयोजन रखा गया। इस डॉग शो में लगभग 22 रजिस्ट्रेशन हुए जिसमें लगभग 9 ब्रीड्स के डॉग आए थे। प्रमुख ब्रीड्स में रॉटविलर, लैब्राडोर, पवेलियन, ग्रेट डेन, हस्की, पग और जर्मन शेफर्ड, फ्रेंच मास्टिफ जैसे लगभग 9 ब्रीड्स के डॉग को फर्स्ट प्राइज में गोल्ड मेडल दिया गया। सेकेंड प्राइज में सिल्वर मेडल, थर्ड प्राइज वाले डॉग को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अरविंद कुमार शुक्ला ने अवार्ड वितरित किए। मेडल के साथ सभी डॉग के ऑनरों को स्टेज से सर्टिफिकेट और मेडल दिलवाए गए। कार्यक्रम ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्यक्रम की कमेटी में संयोजक प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड हेड डॉक्टर एसपी सिंह, साइंटिस्ट डॉक्टर रूपेश जैन, केवीके दतिया साइंटिस्ट डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजपूत केवीके ग्वालियर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्राप्त करेंगे श्री प्रमोद शर्मा जी। डॉग्स पास में खड़े, थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए उन दोनों का। यस, थोड़ा डिस्टेंस, या तो आप बीच में आ जाओ कहीं, या आप इधर आ जाओ साइड। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि तुरंत रजिस्ट्रेशन करा के फॉर्म हमारे पास पहुंचा दिए जाए। वेरी वेल ट्रेन्ड और 2 इयर्स कितना जबरदस्त कमांड है डॉक्टर, आपने देखिए तालियों से इसका स्वागत कीजिए, प्रोत्साहन प्रदान कीजिए, बनने के ताली बजा के एक थोड़ा बड़ा आगे दिखाने को इस फील्ड के लिए ताली बजा दूंगा यहाँ पे, कम से कम इसकी लत बजा दीजिए, ये दांत आना है मेरे को। बोले ये ग्वालियर के प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मानव सेठिया, उनका डॉग है ये, उनसे अलग नहीं हो सकता 2 मिनट में, उनके साथ रहता है बिल्कुल। डॉक्टर मानव सेठिया का डॉग है, डॉक्टर साहब आए हैं शायद हमारे बीच में, डॉक्टर साहब अंदर आइए रिंग में, डॉक्टर साहब अंदर आइए रिंग में। मालिक को देख के कुछ नहीं करेगा, फिर मालिक को देखेगा वो। जहाँ तक मुझे याद है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहीं हेलो।
सभी डॉग ओनर से मेरा निवेदन है कि हमारे बीच दर्शकगण उपस्थित हैं। यदि कोई भी अपने डॉग का शो कराना चाहता हो, इमरान बीच में लेकर आओ। क्या नाम है आपका? आशुतोष। आशुतोष जी, कौन सी नस्ल है आपकी बकरी? जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड कितने का है? जी डेढ़ महीने का। वो डेढ़ महीने का है, डेढ़ साल। डेढ़ साल तो किस कहाँ से लिया आपने? घर के बच्चा है। घर का बच्चा? हाँ। क्या नाम है इसके? क्या नाम है? नाम बाला। बाला कहाँ रहते हैं? मुरार। मुरार मुरार ओमकार सिंह नरवरिया। कौन सी नस्ल के है? पग है। ये चार साल का है। चार साल का। कितने का परचेस किया था? ये अपन ने 15,000 का लिया। 15,000 का लिया। कितनी उम्र है? चार साल है। अब गोवर्धन कॉलोनी गोले का मंदिर। क्या नाम है आपका? मेरा मोनू सोनी। ये जर्मन शेफर्ड ब्लैक। जर्मन शेफर्ड। हाँ, केसीआई। कितने दिन का है ये? अभी हो गया 13 महीने। 13 महीने। ये अपन ने लिया था हरियाणा। हाँ, इसके मदर फादर दोनों इम्पोर्ट है। कितने का लिया? ये मंगाया अपन ने 75,000 रुपये। अभी ग्वालियर में। ये अपना स्टेशन के बगल में। मेरे भैया अतुल शिवारी। शिवारी टॉय फॉर्म। ये अमृतसर से मंगाई थी। अमृतसर से कितने का? ये 90,000 रुपये। 90,000 रुपये का? हाँ। ये कितने दिन का है? ये 2 साल का है। और कितने का लिया था? 90,000 रुपये का। मैं मुरार घास मंडी। ये और क्यूटी नाम है इसका। क्यूटी नाम। कितने उम्र की है? ये है 12 महीने की। 12 महीने की। 1,000 रुपये की मंगवाई थी। 10,000। क्या नाम है आपका? भूपेन्द्र सिंह जादौन। गोल्डन रिट्रीवर। गोल्डन रिट्रीवर। रिट्रीवर जो हो गया 2 साल का। कहाँ से ली थी आपने? ये मेरठ से मंगाया था। मेरठ से? जी। कितने का? ये आया था करीब 35,000। ये सिटी सेंटर जीवन ज्योति हॉस्पिटल डॉक्टर साहब का है। मैं ट्रेनर हूँ। मैं ट्रेनर हूँ। नाम बता दिया इसका? बोरिस। इसका नाम बोरिस है। सत्येंद्र गुर्जर। कौन सा? ये रॉटविलर है। रॉटविलर कितने दिन का है? ये अभी 1 साल का।
एक साल का लिया था आपने? ये लिया था 70,000 का। और जैसा कि बताया क्या नाम भैया? समर्थ भार्गव। समर्थ भार्गव भार्गव ये इंग्लिश मास्टर है। ये मैंने अम्बाला पंजाब। ये 2 साल का लगभग। 2 साल क्या कीमत है? मैंने परचेसिंग की थी 1,20,000 में। 1,20,000 परचेस किया था जब बस्ती था तेरी मंदिर का जी। अच्छा सुल्तान। और तुम्हारे नेम? मैं सिटी सेंटर ग्वालियर। सिटी सेंटर जी। केशव सिंह परिहार। साइबर एंड हस्के। ये पंजाब से मंगाया था। मेरे पास खुद भी ब्रीडिंग होती है जी। ये 4 महीने का फीमेल है। ये 25,000 का जी। शिवम मानव सिद्धांत मान से हेलो कभी डॉग ऑनर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपस में थोड़ा सा अखिल भारतीय किसान मेला जो कि राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। ये किसान मेला विगत 3 तारीख से चल रहा है और आज इसका समापन का दौर है। आज इस समापन के अवसर पर प्रांगण में एक डॉग शो का आयोजन किया गया और इस डॉग शो में ग्वालियर जिले के तमाम जो डॉग ओनर हैं जो अपने यहाँ विभिन्न नस्लों के डॉग पालते हैं उसका एक कंपटीशन कराया गया, प्रतियोगिता कराई गई और आज करीब 22 डॉग ओनर अपने अपने डॉग लेके आए और उन्होंने अपने अपने डॉग का प्रदर्शन किया और हजारों की संख्या में यहाँ दर्शकों ने और ग्रामीण किसान भाइयों ने इस डॉग शो को देखा और भरपूर प्रशंसा की। आज के कार्यक्रम के हमारे यहाँ जो मुख्य अतिथि थे वो ग्वालियर जिले के माननीय कलेक्टर महोदय आदरणीय अक्षय सिंह साहब और इसके साथ साथ हमारे राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी आदरणीय डॉक्टर AK शुक्ला साहब थे और उन्होंने पूरा समय दिया और उन्होंने एक एक डॉग के बारे में बारीकी से जानकारी ली, एक एक नस्ल के बारे में जानकारी ली और इसके साथ साथ आज पूरा पशुपालन विभाग का जो अमला था वो इस डॉग शो में उपस्थित रहा जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर AK तोमर साहब जो JD हैं ग्वालियर जिले के पशुपालन विभाग के, इसके साथ साथ पशुपालन विभाग के डॉक्टर पटेरिया साहब, आदरणीय डॉक्टर सचान साहब, डॉक्टर गुप्ता साहब और इसके साथ साथ तभी वेटनरी डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित रहे और इस डॉग को सफल करवाया। इस डॉग के आयोजन समिति में मुख्य रूप से हमारे राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के लाहार के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रमुख डॉक्टर एस पी सिंह साहब, मैं स्वयं डॉक्टर रूपेश जैन और मेरे साथी डॉक्टर राजपूत जी इस डॉग शो के आयोजक रहे। तो ये डॉग शो एक बहुत सफल आयोजन रहा है कृषि मेले का और सभी लोगों ने इसकी भरपूर तारीफ की है। धन्यवाद। कौन सा डॉग राज? इसमें अलग अलग नस्ल वाइज हमने डॉग को पुरस्कृत किया गया है। लेब्राडोर श्रेणी में अलग डॉग आए हैं, ग्रेडेन श्रेणी में अलग डॉग आए हैं, जर्मन शेपर्ड श्रेणी में अलग डॉग आए हैं। तो जितनी भी नस्लें आई हैं उसमें ज्यादातर हर श्रेणी में 1 या 2 डॉग आए हैं और सभी डॉग चूंकि अच्छी नस्ल के थे, अच्छी उसके थे, तो हम कोशिश करेंगे कि हर डॉग को गोल्ड सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल से हम यहाँ सम्मानित करें। इस तरह का आयोजन दोबारा फिर कभी किया जाएगा? हाँ, वैसे तो पूर्व में भी कृषि मेले में जो हमारे यहाँ जो हर साल ग्वालियर में व्यापार मेला आयोजित होता है उससे पहले जो पशु मेला आयोजित होता था उसमें डॉग शो का आयोजन हर साल होता था, लेकिन चूंकि कोरोना के समय से थोड़ा सा लोगों के बीच में मतलब जो पशुपालन है और जो ह्यूमन है उनको थोड़ा सेपरेट करने की बात रही है तो कोरोना के समय के बाद से वो किसी भी तरह से डॉग शो आयोजित नहीं हुआ, लेकिन आज कृषि मेले के माध्यम से ये डॉग शो आयोजित हुआ है। निश्चित रूप से भविष्य में व्यापारिक मेले में हर साल डॉग शो का आयोजन होगा पशुपालन विभाग के माध्यम से। धन्यवाद।